माई चैनल आई एम हिमानी सारस्वत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और ट्यूटोरियल वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आज का ट्यूटोरियल वीडियो है कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फुल कोरियोग्राफी सिखाऊंगी, आप मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में लिरिक्स हैं आली है आली, आली है आली, महारानी आली। म्यूजिक के साथ एक एंट्री वाला म्यूजिक है जिसमें हमें अपनी पोजीशन पे पीछे हम इस तरीके से खड़े हुए हैं। अभी यहाँ से 4 बीट हम अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे या आपको अगर स्पेस कवर करना है तो कंटिन्यू आगे भी चल सकते हैं। 4 बीट हमें यहाँ पे आप अपनी पहली पोजिशन राइट लेग को हल्का सा बाहर रख सकते हैं, देन आपने अपनी पोजिशन लेके आप खड़े हुए हैं। 4 बीट हमें यहीं पे थी आली है आली, आली है आली। देन महारानी आली वर्ड से हम आगे चलना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 स्टेप हमें अपनी पोजीशन से स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है। दोनों हाथ हमारे नीचे हैं, कोई ऐसा हमने स्टेप नहीं लिया हुआ हाथों का, नॉर्मली हमें सीधे चल के स्टार्टिंग में हम ऐसे खड़े हुए थे, अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ करके राइट लेग को हमने बाहर किया हुआ था, राइट साइड ही हम नीचे की तरफ देख रहे थे। 4 बीट्स हम खड़े रहेंगे। देन हमने चलना स्टार्ट किया 5 काउंटिंग 1 2 3 4 5। देन 6 हम रोके अपनी जगह पर। देन हमें अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पर बाहर लेना है और हमें अपनी नेक को फेस को नीचे की तरफ लेफ्ट लेग की तरफ देखना है। 8 काउंटिंग 6 5 काउंटिंग हम आगे चले। 6 पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। देन 7 8 हमने अपने बैक को बाहर निकाला और अपनी नेक को पहली साइड नीचे की तरफ बेंड करना है। कैसे करेंगे, यहां हमने 4 बीट छोड़ी 1 2 3 4। देन हमने चलना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5। देन 6 पे हम रुके 7 8। आई थिंक आपको शुरू का म्यूजिक का पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद म्यूजिक है, म्यूजिक पे हमें अपने हमारी लास्ट पोजीशन ये थी, यहां से हमें अपने राइट हैंड को नीचे से ऊपर लेना है और हमें उसकी तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ अपनी आइज को ले जाना है। 1 देन 2 ये हाथ हमने यहां रोक दिया। अब लेफ्ट से करेंगे 3 4। पहले हमने राइट हैंड को लिया 1 2 3 4। देन म्यूजिक पे हमें आगे अपने बॉडी को, जो बॉडी का पोस्चर हमारा इस तरफ था राइट साइड और लेफ्ट लेग था हमारा बाहर, देन हम चेंज करेंगे अपने पैर को, अपने बॉडी को मूवमेंट को हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे और अपने राइट लेग को बाहर की तरफ लेंगे। हमारी पोजीशन थी यहां से 1 2 3 4 5 5 काउंटिंग हमें अपने हाथ को ऊपर से नीचे लाना है। पहले हमने सीधा लिया, देन डायरेक्शन चेंज किया हाथों का 3 4 5। तो हमारा राइट लेग बाहर था, देन हम अपने बॉडी के पोस्चर को फिर से चेंज करेंगे और राइट साइड पर जाएंगे 1 2 3 4। लेफ्ट साइड पर हमें 5 काउंटिंग करना है और राइट साइड पर हमें 4 काउंटिंग करना है। हमारी पोजीशन यहां थी, यहां से हमने किया 1 2 3 4 5, देन चेंज किया 1 2 3 4। इसके बाद लिरिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए स्टार्टिंग के इस एंट्री और म्यूजिक के पार्ट को फिर से रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग में हमने 4 बीट को ब्लैंक छोड़ा हुआ है 1 2 3 4। देन हम आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से म्यूजिक चेंज होगा 1 2 3 4। अगेन म्यूजिक 1 2 3 4 5। देन डायरेक्शन चेंज 1 2 3 4। आई थिंक आपको ये स्टार्टिंग का एंट्री और म्यूजिक वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इस पार्ट को म्यूजिक के साथ देखते हैं।
होप कि आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ आगे लिरिक्स स्टार्ट होते हैं। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। लास्ट हमारे दोनों हाथ ऊपर इस पोजीशन पर थे। यहां से हमें नजर जो हमें अपने लेफ्ट हैंड को हम नीचे रखेंगे सिंपली, राइट हैंड को हमें लेफ्ट साइड से अपने आंखों के सामने से हाथ को सामने लाना है। यहां से हमने किया, लास्ट हमारा स्टेप था 1 2 3 4। यहां से हम लेफ्ट साइड पर टर्न हो रहे हैं। नजर जो तेरी लागी, तेरी लागी पे राइट हैंड को हमें सामने लेना है। हम यहां से आए नजर जो तेरी लागी, देन मैं दीवानी हो गई। यहां से राइट हैंड जो हमारा बाहर था उसे हम लेंगे 1 अपने लेफ्ट शोल्डर पर। नेक को भी हम उसके साथ लेना है 1 देन 2। पहले हमें राइट हैंड को लिया लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड को लिया राइट शोल्डर पर, देन हमें अपने लेफ्ट हैंड को अपने फेस के आगे से आईज के पास इधर लेकर आना है। तो हमने यहां से किया 1 2 देन 3। तो पूरा स्टेप हमने कैसे किया, लास्ट हम यहां थे। यहां से नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। स्लोली स्लोली हमें अपने लेफ्ट हैंड को अपने फेस के आगे से हाफ इधर लेकर आना है। देन म्यूजिक का पार्ट आता है छोटा सा, वहां पे हमें अपने राइट लेग को उठा के पीछे रखना है। अभी हमारे पैर की पोजीशन ये थी, यहां से हमें अपने राइट लेग को एक राउंड के फॉर्म में उठाना है लेफ्ट से राइट साइड, यानी कि 1 और पैर को पीछे लेना है। यहां से हमने किया 1 2 देन 3 4। 3 4 पे हमने राइट लेग को बाहर निकाला, देन वापस अंदर। सेम स्टेप हमें लेफ्ट लेग के साथ करना है। लेफ्ट को हमने राइट से लेफ्ट की तरफ लेंगे 1 2 देन 3 4। तो म्यूजिक पे हमने यहां से कैसे किया 1 2 3 4, देन चेंज करेंगे 1 2 3 4। एक बार यहां तक इस स्टेप को फिर से देखते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, देन म्यूजिक पे 1 2 3 4 चेंज करेंगे 1 2 3 4। आई थिंक आपको यहां तक के स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार इन स्टेप्स को म्यूजिक के साथ देखते हैं। देन आगे लिरिक्स है दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। यहाँ पे हमें अपने राइट लेग को 1 देन 2 पर पास लाएंगे, थोड़ा सा पीछे 3 4। टोटल हमें स्टेप करना है। लेफ्ट हैंड को हम नीचे रखेंगे, राइट हैंड को पहले पैर के साथ ही राइट ऊपर की तरफ तिरछा 1 देन 2 पे हमें अपने इधर माथे के पास हाथ को सिर्फ ऐसे टच करना है 1 2 3 4। दीवानी हाँ दीवानी, देन दीवानी हो गई। यहाँ पे हमें अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट से 1 देन राइट को नीचे लेंगे, लेफ्ट से 2 देन लेफ्ट को नीचे लेंगे, और राइट से जब हम 3 लेंगे तो हमें राउंड लेना है राइट साइड से 3 राउंड लेकर हम सामने आएंगे। तो कैसे आएंगे, 2 स्टेप में आगे आना है, दीवानी हो गई, देन घूम के सामने आ जाएंगे। देन आगे म्यूजिक है। म्यूजिक पे हमें अपने पैरों को हमें अपनी पोजिशन से राइट लेग को उठा के बस पीछे रखना है, देन लेफ्ट को उठा के पीछे। एक बार हमें राइट लेग को उठा के पीछे लेना है, एक बार लेफ्ट को पीछे लेना है। हाथों के स्टेप को हमें दोनों हाथों को लेफ्ट से हमने इस तरीके से घुमाया, देन लेफ्ट साइड पर हाथ इस पोजीशन पे आके रुकेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड हमारे इस पोजीशन पे है 1 2। देन यहां से हमें अपने हाथों को 1, यहां से जो हमारा लेफ्ट हैंड था वो इस जगह आ जाएगा, देन राइट ऊपर चला जाएगा 1 देन फिर से चेंज करेंगे अगेन। ये स्टेप हमें 3 टाइम करना है। हमने किया 1 2 1 2 3, ये काउंटिंग इस तरीके से आएगी 1 2 1 2 3। सेम स्टेप हमें अपोजिट करना है, यानी कि हमें राइट से लेफ्ट साइड पर लेंगे दोनों हाथों को 1 2। अब दोनों हाथ लेफ्ट साइड पर ऊपर जाएंगे 1 2 3। तो स्टेप हमें करना है। अब पैर का स्टेप जो था हमारा, जब हमने लिया 1 2 तब हमारे पैर को उठा के हमें पीछे रख देना है, देन 1 2 3 पे हमें पैर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। तो हमने कैसे करना है 1 2 1 2 3, देन अब हम चेंज करेंगे 1 2 1 2 3। ये हमारा म्यूजिक का पार्ट था। चलिए एक बार इसे फिर से देखते हैं। यहां से हमने किया दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, देन म्यूजिक 1
1 2 3 1 2 1 2 3। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इन स्टेप्स को म्यूजिक के साथ देखते हैं। देन आगे लिरिक्स है, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। लास्ट हमने स्टेप किया था 1 2 1 2 3। हमारा लेफ्ट हैंड ऑलरेडी ऊपर है, अब यहाँ से हमें अपने पैरों की पोजीशन जो पीछे था हमारा पैर, हम उसे अपनी जगह पर लाएंगे। देन राइट लेग को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। हमारा स्टेप लास्ट यहाँ था, हमने चेंज किया, लेफ्ट हैंड को चेंज किया उसका डायरेक्शन। देन 1 2 2 स्टेप हमें ऊपर से ऐसे खींचने के तरीके से स्टेप करना है, राइट लेग बाहर है, मशहूर मेरे। देन चेंज करेंगे सेम अपोजिट इश्क की, टू टाइम हमें लेफ्ट साइड करना है, टू टाइम हमें राइट साइड करना है, मशहूर मेरे इश्क की। देन कहानी हो गई, यहां से हमें अपने राइट लेग को लेफ्ट साइड पर आगे क्रॉस करके लाना है। 1 2 सिंपली बस 1 2, तो कहानी हो गई 1 2। दोनों हाथों को हमने इस तरीके से बंद किया एक बुक के तरीके से, देन इस तरीके से ओपन करना है। कहानी हो गई, गई पे हमें अपने लेफ्ट हैंड को हम वहीं रखेंगे, राइट हैंड से हल्का सा आगे की तरफ जाना है सामने शो करते हुए। यहां से हमने इसे किया, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। देन आगे जो जगने न मानी वो मैंने भी ठानी, यहां से हमें जगने न मानी, राइट हैंड को हमने राइट साइड पर लिया, जो जगने न मानी, मानी पे हमें लेफ्ट हैंड से इस तरीके से करना है, राइट से किया जगने, देन लेफ्ट हैंड से 1, राइट साइड से लेफ्ट साइड नीचे की तरफ लेना है, जो जगने न मानी तो मैंने भी ठानी। दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करके एक बार लेफ्ट साइड पर लेंगे, राइट लेग बाहर है, एक बार राइट साइड पर लेंगे, लेफ्ट लेग बाहर है, 1 2। देन आगे कहां थी मैं देखो कहां चली आई, यहां से हमें अपने पहले हमने राइट हैंड को लिया, कहां थी देन लेफ्ट को लिया, एक बार हमने लिया 1, कहां थी मैं देखो कहां चली आई, दोनों हाथों से करना है, पहले हमने 1 हैंड को यूज किया, राइट को हमने बाहर लिया 1, देन हमने लेफ्ट को बाहर लिया। अब हमें दोनों को एक साथ लेना है और अपनी पोजीशन से हम पीछे हटेंगे इस स्टेप में। पहले हमने आगे किया 1, कहां थी मैं देखो, तो इस स्टेप तो हमें आगे आना है 1 2, देन अब पीछे जाएंगे कहां चली आई, देन उसके बाद हल्का सा डीप में म्यूजिक होता है, तो उसमें हमें अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन पे लेना है, लेफ्ट हैंड को हम ऊपर लेंगे, राइट हैंड को हम नीचे लेंगे और राइट लेग को थोड़ा सा बाहर, धीरे धीरे हमें हाथ को ऊपर लेना है इस पोजीशन पे। चलिए एक बार सभी स्टेप्स को फिर से रिवाइज करते हैं। यहां से हमने किया मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जगने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहां थी मैं देखो कहां चली आई। आई थिंक आपको यहां तक का पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए कि भाई सभी स्टेप्स को हम म्यूजिक के साथ देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आप इन स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आगे के स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।